माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश हैं कि तुमको है। दिल और शक्ल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। दुखी दिल होता है, बिगड़ शक्ल जाती है। इसलिए हमेशा अपने दिल को खुश रखो। बहुत हिम्मत का काम है खुश रहना, वही करना जो यहाँ सही लगे। कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। दरअसल ये हमारी परीक्षा है, जहाँ ऊपर वाला हमें टटोल रहा है, वो देख रहा है कि क्या हम कामयाबी की चरम सीमा के लिए तैयार हैं। जो लोग थक कर रुक जाते हैं, वही रुक जाती है उनकी किस्मत। और जो माथे का पसीना पोंछ कर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है। उनका नाम इतिहास के। जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से दो टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा। एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। हर चीज को इतनी जल्दी पाने का धुन मत रखिए, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, कुछ भी है, उसकी भागदौड़ मत रखिए कि ये तो मेरे ही समय पर मुझे मिलना चाहिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी जब भी नाचता था बारिश होती थी, जब भी नाचता था बारिश होती थी। रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया, क्या लफड़ा है, इसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र के साथ। इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, पूछा, बताओ जी साहब क्या चक्कर है आपका, ये जब भी नाचते हो बारिश क्यों करवाते हो, क्या चक्कर है। उसका जवाब इतना शालीनता भरा कि भाइयों और दोस्तों, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस दो घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मुझे ये विश्वास रहता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। एक आदमी था, जहाज में जा रहा था, जहाज नष्ट हो गया, डूब गया, एक वो अकेला बच गया। वो किसी टापू पे चला गया और टापू पे जाने के बाद 2-3 दिन तक तो भगवान को गालियां देता रहा, फल फ्रूट खा के काम चलाया और झोंपड़ी बना ली। 10-15 दिन से जिंदगी आराम से चल रही थी। अचानक एक बार बाहर गया था टापू पे कुछ खाने पीने की चीजें लेने, अचानक बिजली कड़की और झोंपड़ी जल गई। अब की बार आके तो माता फोड़ फोड़ के गालियां देने लग गया, भगवान ओ तेरे को इतना बड़ा न्याय करना था क्या, ये था जो भी जला दिया तूने, तेरे जैसा निर्दयी कोई नहीं है। गालियां देके थक के रात को सो गया। सुबह उठा तो एक जहाज उसको लेने आया और आके उन्होंने जगाया, उठो। तो उसने कहा तुम कैसे आए, ये तूने जो धुआं की थी ना, ये जो धुआं की थी इस धुआं को देख के आए। होश उड़ गए, रात को तुम्हें गालियां दे रहा था कि मेरी झोंपड़ी जला दी, अगर ये नहीं जलती रे तो मुझे बचाने कैसे आते रे। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करोगे। अपनी मन की सुनना की सुनना, जो तुमको अच्छा लगता है वो करना, और ये मत सोचना कि लोग, क्योंकि लोग साला तुमको जीने नहीं देते। मैं तुमको पहले बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पा।